So hello everyone and welcome back to my channel. So in today's video we are going to do class 9th chapter number 9. This is your science topic, which is force and laws of motion. So let's start with our topic. तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब इसमें हमारे क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या क्या हमें इसमें टॉपिक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग के हैं. तो इंट्रोडक्शन होगा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स होंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, स्टेटमेंट्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मास एज मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस, मोमेंटम और मोमेंटम इन टू बॉडीज, वेरिएशंस ऑफ मोमेंटम इन टू बॉडीज ऑफ इक्वल या डिफरेंट मासेस हैव डिफरेंट इक्वल मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन. तो आज हम ये सारे बेसिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है. देखिए, यह आपकी बुक नहीं है, ये स्पेशल टाइप की एक बुक है. तो यही आज इससे ही हम कवर कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपके लिए कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पर दिया है. मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. ये इस चैप्टर का पूरा थीम है, समरी है, या फिर इसका कॉन्सेप्ट मैप है, मतलब इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं. तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इससे तो मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है. लेकिन इसको जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, तो फिर अगर आपको बाद में कभी छोटी सी इसकी क्विक रिवीजन करनी हो, तो आप मेरे इस मैप से कर सकते हैं. तो अब हम चलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फोर्स को. तो ये फोर्स की एक एग्जैक्ट डिफाइन है, जो कि आप सबको पता होनी चाहिए. मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ. इट इज़ द फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क. मतलब फोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें इनेबल करती है किसी भी काम को करने के लिए. टू डू एनी थिंग, ईदर वे पुश और पुल द ऑब्जेक्ट. हमें अगर कोई भी काम करना होता है, मान लीजिए एक बॉक्स है मेरे पास एंड मुझे इसे अपने रूम के अंदर लेके जाना है, तो मैं इसको पुश ही तो करूँगा जब भी, तो ये आगे होके इस रूम में अंदर जाएगा. या फिर अगर कोई बॉक्स है और मुझे उसे अपने रूम से बाहर निकालना है, तो भी मैं इसको पुश करूँगा. और मान लीजिए, एक आपका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. आप कभी किसी शॉप पे गए होंगे, तो उसमें आपने गेट पे कई बार ही पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है जो कि आपने हमेशा पढ़ा होगा, पुश, जिसका मीनिंग है कि हमें इस डोर को पुश करना है. और एक वर्ड होता है हमारा पुल, जिसका मीनिंग होता है इसे हमें अपनी तरफ खींचना है. तो इन्हीं दोनों चीज़ों से हम कोई भी वर्क को करते हैं. देयरफॉर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. इन्हीं को हम फोर्स कहते हैं. अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताऊंगा, वो है इसका एक एग्जांपल. टू ओपन अ डोर, ईदर वी पुश और पुल इट. एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको एक शॉप का एग्जाम्पल दे दिया है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है एक शॉप के डोर का.
A drawer is pulled to open and pushed to close. ये है एग्जाम्पल वन, ये है एग्जाम्पल टू, ये सेकेंड एग्जाम्पल है और ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो क्या समझे आप ड्रॉअर वाले से, कि अगर हमें ड्रॉअर को खोलना होता है तो मैं उसे अपनी तरफ पुल पुल करता हूँ, मैं उसे अपनी तरफ खींचता हूँ, तभी तो वो ओपन होती है। और अगर मुझे उसे बंद करना होता तो मैं उसे अपने से दूसरी साइड अपोजिट साइड में उसे पुश कर देता हूँ ताकि वो क्लोज हो जाए। तो यही थे इसके एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स होते हैं, अगर आपको पता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मैं आपके लिए टॉपिक ले रहा हूँ इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, कि मतलब फोर्स क्या क्या चीज़ कर सकती है। तो फर्स्ट चीज़ आती है कि दैट फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी रुकी हुई चीज़ को, मान लीजिए कि एक बॉल है, वो रेस्ट है, मतलब वो सिर्फ रखी हुई है, अगर मैं उसे अपने लेग से फोर्स लगा के किक करूँगा तो वो मूव करने लगेगी ना। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि दैट फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट। ये सेम एग्जांपल दिया एक फुटबॉल बॉल का, तो सेट बाय मूविंग बाय किकिंग इट, दैट इज़ बाय अप्लाइंग अ फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल आता है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे मान लीजिए हम एक साइकिल चला रहे हैं, चलाते चलाते एकदम से कोई व्हीकल आ गई, तो हमने उसमें अपने हैंड की हेल्प से ब्रेक्स अप्लाई किए, जिसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई और जिसकी वजह से वो साइकिल वहीं स्टॉप हो जाती है। यही केस व्हीकल्स में भी होता है। सेम यही लिखा है एग्जाम्पल में, बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, रनिंग साइकिल और रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड। इट डजेंट मीन कि हमारे यहाँ पे ब्रेक्स लिखे हैं तो फोर्स अप्लाई नहीं करे हैं, नो, दे आर ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स टू स्टॉप दैट साइकिल, सो यू मस्ट नो दैट। थर्ड आ जाते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। हाउ? बाय अप्लाइंग फोर्स, दैट इज़ बाय मूविंग हैंडल, द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग बाइसाइकिल कैन बी चेंज। मान लीजिए मैं आपके लिए लेता हूँ कार का एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं एक रोड पे जा रहा हूँ और मैं कार में हूँ और मुझे राइट साइड मुड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टीयरिंग व्हील की डायरेक्शन राइट साइड कर दूँगा, तो वो राइट साइड का फोर्स लगेगा और वो कार राइट साइड चली जाएगी। अगर मैं बाइक पे हूँ और मुझे लेफ़्ट साइड जाना है, तो मैं उसके हैंडल को लेफ़्ट साइड मूव करूँगा ताकि वो लेफ़्ट साइड का फोर्स हो और वो लेफ़्ट चली जाए। सेम इसी तरीके के एग्जांपल इसमें दिए हैं। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड भी चेंज कर सकती है। कैसे? बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ अ रनिंग बाइसाइकिल कैन बी इंक्रीज, और अप्लाइंग ब्रेक्स द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी डिक्रीज। मान लीजिए मैं हाईवे होता है, हाईवे पे आप जब व्हीकल चलाते हैं तो वो बहुत स्पीड से चलाते हैं, और वहीं अगर एकदम से रोड आ जाती है तो आप अपनी स्पीड कम कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपनी स्पीड कम कर ली, तो वही है कि फोर्स से हम स्पीड भी कम हो सकती है किसी मूविंग बॉडी की। जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। देन फिफ्थ, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाउ? आपने ये पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनको अगर हम हैमर करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पहले तो उनकी और शेप होती है, लेकिन जब हम उस पर हैमर की फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप और साइज़ चेंज हो जाता है। सेम यही लिखा है इसमें, दैट बाय हैमरिंग अ ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न्ड इनटू अ थिन शीट, या फिर बाय हैमरिंग अ स्टोन कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, उसकी शेप और साइज चेंज हो रहा है।
आई वॉन्ट दैट आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने पास स्टोर करके रख लीजिए। दैट इसमें मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये बिल्कुल क्विक नोट्स हैं आपके लिए जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं। अब आते हैं फोर्स के टाइप्स पे। फोर्स कैन बी ऑफ मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स, अनदर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ वी विल रीड देम बोथ इन डिटेल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बैलेंस फोर्स पे। तो बैलेंस फोर्स, सबसे पहले मैं लूँगा इसकी आपके लिए एक डिफाइन। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे चलिए एग्जांपल बाद में दूंगा, पहले इसको समझते हैं। ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। आई नो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, एक बॉक्स है, एक पर्सन है जो कि अपने हैंड से इस बॉक्स को इस तरफ पुश कर रहा है, और एक पर्सन है यहाँ पे जो कि इस बॉक्स को इस तरफ से पुश कर रहा है, और दोनों बिल्कुल सेम फोर्सेस को पुश कर रहे हैं। मान लीजिए ये 5 से कर रहा था, ये भी 5 से कर रहा है, मतलब ये दोनों 5-5 के फोर्सेस को कर रहे हैं। तो क्या होगा, दैट इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। दैट मीन्स ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये बिल्कुल उसी पोजीशन पर रहेगा जिस पे ये है। तो यही है कि और यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है क्या, ज़ीरो, बिकॉज वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। दैट इज़ वाई नेट रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। सो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इन टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा जहाँ पे दो टीम्स होते हैं, उनके हाथ में रोप्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, और वो दोनों टीम्स अपने अपोजिट वाली साइड को गिराने की कोशिश करते हैं, और वो दोनों तरफ से उस रोप को अपनी तरफ पुल करते हैं। तो इन द टग, इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड, अगर दोनों टीम सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करें तो वो रोप कहीं भी मूव नहीं करेगी, वो इधर एक ही साइड पर रहेगी, वो कोई भी टीम नहीं जीतेगी। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इन विच रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम्स ज़ीरो। तो यही है कि उसमें कोई भी टीम जीत नहीं रही है, मतलब दोनों का टू टीम्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। अ बैलेंस्ड फोर्स डो नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स कोई भी चेंज नहीं करता है उस ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मैंने आपको बॉक्स में बताया, उसमें वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है। बैलेंस्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे बॉक्स था, मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे ये बॉक्स है, ये एक इस तरफ से करे, एक इस तरफ से, तो एक तो अपने राइट साइड की तरफ कर रहा है और एक जो है वो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ कर रहा है, मतलब दोनों अपोजिट साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन, दैट वो अपोजिट साइड करते हैं, और लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब दोनों इक्वल फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं। बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इसका भी मेरे को आपको एग्जाम्पल देना है। ये है एक बलून। अब इस बलून को अगर मैं अपने दोनों हैंड से, एक इधर से पकड़ूँ, एक इधर से पकड़ूँ, और मैं दोनों से इक्वल फोर्स अप्लाई करूँ, तो आपने भी देखा होगा जब आप बलून को अपने दोनों हैंड से दबाते हैं
तो उसका जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, साइज़ भी उसका चेंज हो जाता है। सो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे बलून का एग्जांपल दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम अनबैलेंस फोर्स पे। इफ़ रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर दैन जीरो, द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स। बॉक्स का ही एग्जांपल दूंगा। एक पर्सन यहाँ से कर रहा है, एक पर्सन यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये कर रहा है 10 से और ये कर रहा है 4 से, तो बताइए बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? ऑफ कोर्स वो इस तरफ मूव करेगा, मतलब क्योंकि इस वाले पर्सन का फोर्स जो है वो इस बॉक्स पे ज़्यादा है, इस वजह से ये बॉक्स इस तरफ मूव कर जाएगा और इस वाले का कोई असर नहीं होगा, इस तरफ ये मूव नहीं कर सकता। मतलब इस केस में एक रेस्ट पोजीशन वाले बॉक्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, क्योंकि उस पे दोनों साइड की में एक तरफ का ज़्यादा फोर्स था। लेकिन जिससे पहला केस था उसमें इधर भी 5 था इधर भी 5 था, मतलब कोई इसमें असर नहीं होगा, ये इधर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 6 हो जाए और यहाँ पे 5 हो जाए तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो इट मीन्स इस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। अब यहाँ पे लिखा दैट व्हाट कैन अनबैलेंस्ड फोर्स डू, सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट। इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज आई हैव सेड, मैंने आपको अभी बताया। इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, वो एक किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर सकता है। डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम इंक्रीज कैसे करते हैं, जैसे एक बॉक्स जो है वो एक स्लाइडिंग फ्लोर पे जा रहा है, तो वो ये तो वैसे रेस्ट है, अगर कोई मूविंग भी हो तो भी तो वो एक इस तरीके के फ्लोर से जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली स्लाइड करता हुआ जाएगा। अगर इसके पीछे कोई मैन खड़ा हो और वो उसको अपने हैंड से और पुश करे तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से जाने में। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन दैट इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब डिक्रीज कैसे कर सकता है, एक बॉक्स यहाँ से जा रहा है, अब की बारी मैन जो है वो यहाँ पे खड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो इसको अपने हैंड से रोकेगा, तो इससे उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही या फिर वो बिल्कुल ही रुक जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, मैं इसको बहुत ज़ोर से हैमर मारूँ तो क्या होगा, इसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज रिटन दैट इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं इसके लॉस पे। तो इसके लॉस को सबसे पहले गैलीलियो ने करा था। तो ये वाला जो पेज है, ये आप खुद ही इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए, जल्दी से इस पेज को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में, इसमें जस्ट ये लिखा है कि उसने कैसे कैसे करा था इसको अप्लाई या फिर कैसे उसने ढूंढा था। अब मैं आता हूँ कि न्यूटन ने कैसे करा। तो न्यूटन ने गैलीलियो के आइडियाज़ को रीड करा फर्दर, और न्यूटन ने अपने 3 लॉ बना दिए जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और ये 3 होते हैं, 1, 2, 3। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही हम तीनों आगे पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। मान लीजिए एक बॉल है, तो वो अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, वो अपने आप तो मूव नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई मैन आया, उसने इसको किक कर दिया, तो ये मूव कर जाएगी। तो यही है कि जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पे एक मैन इसको अपने लेग से हिट कर रहा है, मतलब वो एक एक्सटर्नल फोर्स डाल रहा है उस पर,
तो वो मूव कर रही है, लेकिन वो अपने पास से तो मूव नहीं कर सकती। दैट इज़ वाइट इज रिटर्न दैट इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। या फिर अगर हम किसी व्हीकल पे हैं, हम किसी बाइक पे हैं, हम बाइक से जा रहे हैं, तो वो बाइक तो चलती जाएगी जब तक हम उसमें ब्रेक्स नहीं अप्लाई करेंगे, मतलब हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो कंटिन्यू करेगी अपने मोशन में। मोशन होता है मतलब कोई इंसान वर्क कर रहा है, रेस्ट होता है मतलब वो कोई वर्क नहीं कर रहा, वो बिल्कुल रुका हुआ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि आप खुद रीड करेंगे, मैंने आपको अपनी तरफ से समझा दिया है। इसमें भी आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको जल्दी से रीड कर लीजिए। अब आ जाते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें जो आपको चार अभी आपको नीचे मिलेंगे, टू यहाँ है, टू नीचे और है, इनमें से आपको कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, एकदम से बस जो है वो मूविंग करना स्टार्ट हो गई, मतलब वो एकदम से चलने लग गई, तो आप जो है वो पीछे की साइड गिरेंगे। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड बोथ आर इन रेस्ट वाइल बस इज़ नॉट मूविंग। जब बस मूव नहीं करती तो आप और जो बस है वो दोनों रेस्ट में होती है। बट एज द बस स्टार्ट्स मूविंग द लेग्स ऑफ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग विद द बस। मगर जैसे ही वो बस मूव करना स्टार्ट कर देगी तो वो तो मोशन में आ जाएगी और उसके साथ सिर्फ आपके जो लेग्स हैं, मतलब आपका लोअर पार्ट जो है वो भी उस बस के साथ, आप देखते होंगे आपके लेग्स जो हैं वो बस पे रखे रहते हैं, तो वो भी उस बस के साथ मोशन में आ जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर का जो अपर पोर्शन है, रेस्ट पोर्शन जो है, वो अपनी टेंडेंसी रखेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या फिर पर्सन जो है वो जब तक रेस्ट में रहते हैं जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तो ये वो अपनी टेंडेंसी मेंटेन करेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, और इसी वजह से जो है हम पीछे की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ से ही गिरते हैं। बस आपने देखा होगा हमारा वो अपर पोर्शन जो है वो एकदम से पीछे हो जाता है। ऐसी मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, हम आगे क्यों गिरते हैं। जब बस चलती हुई है, अब की बारी बस रुकी नहीं हुई, अब की बारी बस पहले से ही चल रही है, अब की बारी वो पहले से ही मोशन है, लेकिन एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो क्या होगा? जो पर्सन उस बस में स्टैंड होगा वो क्या करेगा? वो आगे की तरफ फॉल होगा। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज जो पर्सन बस में खड़ा होता है वो बस के साथ अब उसकी पूरी बॉडी मोशन में आ गई है। अब इससे पहला जो केस था उसमें वो एकदम से स्टार्ट हो गई थी बस, तो बस अभी नीचे की बॉडी आ पाई थी, ऊपर की बॉडी अभी मोशन में नहीं आई थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई है तो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है ये मोशन में है बस के साथ। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए, जो नीचे की बॉडी है वो तो बस के साथ रेस्ट पे आ गई, वो तो रुक गई वहाँ पे, लेकिन जो हमारी ऊपर की बॉडी है वो फिर रेजिस्ट करेगी अपना चेंज कि वो मोशन में ही रहे, वो रेस्ट में ना आए जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो इसी वजह से हम जो हैं हम आगे की तरफ गिर जाते हैं अगर हम अलर्ट नहीं होते। अगर हम अलर्ट होते हैं तो हम पहले से किसी भी चीज़ को, जैसे आपने देखा होगा बस में ऊपर हमारे हैंड्स में पकड़ने के लिए हैंडल्स दिए हुए होते हैं जिसकी वजह से हम आगे ना गए, तो वो इसलिए होते हैं। अब आपने देखा होगा कि बिफोर हैंगिंग द वेट क्लोथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन, जब आपकी मदर जो है वो कपड़े सुखाती हैं, यूजली मैनी जर्क्स आर गिवन टू क्लोथ्स टू गेट देम ड्राई क्विकली। मतलब जो आपने अपनी मदर को देखा होगा जब वो कपड़े सुखाती है, तो उससे पहले वो उसको कई बारी झाड़ती हैं क्लोथ्स को, तो वो ऐसा क्यों करती हैं? बिकॉज ऑफ जर्क्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ क्लोथ फॉल्स ऑन ग्राउंड। जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं कहाँ पे, उस क्लोथ में पोर्स में जो स्टोर्ड हैं वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो पहले से तो रेस्ट में होते हैं, वो स्पोर्ट्स में, लेकिन जैसे ही हमारी मदर उसको बार बार उसको झाड़ती हैं, तो उस वो एकदम से मोशन में आ जाते हैं क्लोथ्स, तो वो फिर एडजस्ट करेंगे अपना चेंज, तो इसी वजह से वो जो है वो नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसी पाइल ऑफ कॉइन है, जब आप अपने कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो आप देखते होंगे कि आप उसमें जो कॉइन्स हैं आप उनकी पाइल्स लगाते हैं, मतलब उनको आप ढेर में लगा देते हैं, फिर आप स्ट्राइकर की हेल्प से सिर्फ नीचे वाला कॉइन हिट करते हैं और वो सारी की सारी जो आपने ढेर लगाया था वो पूरा का पूरा गिर जाता है। दिस इज़ बिकॉज वेन द पाइल इज स्ट्रक विद स्ट्राइकर, जब वो पाइल है वो स्ट्राइकर के साथ टकराती है, द कॉइन एट द बॉटम कम्स इन मोशन, जो नीचे वाला कॉइन है वो एकदम से मोशन में आ जाता है, वाइल जो ऊपर के जो बाकी कॉइन्स होते हैं वो उनमें वो टेंडेंसी होती है कि वो अपना रेस्ट में रहें क्योंकि वो पहले से रेस्ट में थे, और इसी वजह से वो वर्टिकली आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब आते हैं हम मास और इनर्शिया पे। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया, मतलब टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्या तो वो मोशन में तो वो मोशन में ही रहे या फिर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, इस टेंडेंसी को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया जो है वो हम उसके मास से मेजर करते हैं, मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया, मतलब मास तो आपने सुना होगा कि किसकी भी बॉडी में कितना मास है, तो वही मास है यहाँ पे। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मीन्स अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, दिस मीन्स इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन मास। अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन, अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक तो आपके पास एक हाथ में आपके पास है एक स्टोन और एक हाथ में आपके पास है रबर, तो ज़रा आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें से दोनों में ज़्यादा मास किसका होगा या फिर ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा। अगर आपने कहा है कि स्टोन का मास और इनर्शिया ज़्यादा होगा तो आप बिल्कुल सही हैं, बिकॉज मोर मास मोर इनर्शिया, स्टोन में ज़्यादा मास होगा तो इस वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा है, लेकिन रबड़ में कम मास होगा तो इसलिए उसका उसका इनर्शिया भी कम हो। आपने देखा भी होगा कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका आपको उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि इनर्शिया होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, एक बैग है आपके, एक बॉक्स आपके पास, आपको इस बॉक्स को उठाना है, इसमें बहुत सारे स्टोन्स डले हुए हैं जो कि बहुत हैवी हैवी हैं, तो क्या होगा, ये जब आप इसको उठाएंगे तो ये मोशन में आने से मना करेगा और ये रहे कहेगा कि ये नीचे रहेगा, ये अपना रेजिस्ट करेगा चेंज, और इसका मास ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, तो आपको इसको उठाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर कोई इससे भी ज़्यादा मास का कोई पर्सन हो, बहुत ज़्यादा जिसका मास हो, वो इसको इजीली उठा लेगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें तो वो इजीली इसको नहीं कर पाएंगे। सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इनर्शिया थस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड देन द लाइटर वन, यही कहा गया है कि किसी भी हैवी बॉक्स को हमें पुश या पुल करने में ज़्यादा मुश्किल होती है। अब हम आ जाते हैं मोमेंटम पे। व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम इज़ अ पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी पावर है उस ऑब्जेक्ट में, कितनी पावर ऑफ मोशन है, कितनी पावर से जो है उसका मोशन हो रहा है। और इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या कहूँगा, द प्रोडक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ मास इज कॉल्ड मोमेंटम। आप नोट्स बनाते जाइए अपने साथ साथ, जो जो मेन मेन टर्म्स हैं इनकी डिफाइनेंस लिखते जाइए। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, मोमेंटम को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, पी से। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी,
मास को वेलोसिटी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। अब इसकी एक मेरे को आपको एक ड्राइवेशन करवानी है दैट आई वांट टू बी डन विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। देखिए मास किस में मेज़र होता है, केजी में। वेलोसिटी किस में मेज़र होती है, मीटर पर सेकंड में। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड, देखिए मास इंटू वेलोसिटी हो रहा है, मास होता है केजी में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। तो जब हम केजी इंटू मीटर पर सेकंड जब हम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि क्या है, मोमेंटम की यूनिट है। मतलब अगर हम मान लीजिए एक एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 5 kg और उसकी वेलोसिटी है 6 m/s, तो हम क्या करेंगे, हमें मोमेंटम इसका पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 5 kg × 6 m/s। तो 5 × 6 = 30 और साथ में हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपको एक और बात ध्यान रखना है कि आपको पेपर में ऐसे भी दे सकते हैं कि मास आपको ग्राम में दे दें, तो आपको पहले उस ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इन्होंने ये इसको शॉर्ट में करके दिखाया कि मोमेंटम को हम पी बोल सकते हैं, मास को हम एम बोल सकते हैं, वेलोसिटी को हम वी बोल सकते हैं। जहाँ पे पी जो है वो मोमेंटम है, एम जो है वो मास है और वी जो है वो वेलोसिटी है। अब आपको कुछ कुछ इसके एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा से स्टॉप कीजिए, इनको रीड कर लीजिए, बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना समझ पाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोमेंटम एंड मास एंड वेलोसिटी। सिंस मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अभी हम इसको ड्राइव करके आए हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। मीन्स अगर मास और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, या फिर अगर मास ज़्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, या फिर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो इन दोनों से अगर मास ज़्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज़्यादा, तो दोनों से फ़र्क पड़ता है मोमेंटम में। मोमेंटम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ ईदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको अभी बताया। दिस मीन्स इफ अ लाइटर एंड अ हैवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, मान लीजिए एक तरफ तो आपका स्टोन है और एक तरफ है आपकी रबड़, और ये दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही हैं, लेकिन इसका मास 5 है और इसका मास है 3, तो इस केस में क्या होगा, इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। मान लीजिए वेलोसिटी दोनों की है 2, इसका मास है 5, इसका मास है 3, तो 5 × 2 हो जाएगा 10 और 2 × 3 हो जाएगा 6, तो ऑब्वियसली इसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ। तो ये आपको बताना चाहिए। इफ़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ ग्रेट वेलोसिटी इट हैज़ ट्रेंडिमियस मोमेंटम बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सीवियरली। मतलब अगर कोई छोटी भी ऑब्जेक्ट है और वो बहुत तेज वेलोसिटी से आ रही है तो भी वो हमें हार्म कर सकती है। कैसे, आपने बुलेट देखी होगी, जो गन होती है हमारी, गन में जब हम एक बुलेट डालते हैं उसको फायर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वो बहुत उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, जिस वजह से वो एक किसी भी इंसान को किल भी कर सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड देन यूजुअली रोड एक्सीडेंट्स प्रूव मोर फेटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड दैन एंड लोअर स्पीड। मीन्स हाई स्पीड की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड्स पे। दिस हैपेंस बिकॉज व्हीकल्स रनिंग विद हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू व्हीकल रनिंग विद स्लोअर स्पीड। मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा, और जिसकी कम स्पीड होगी, सॉरी जिसकी हाई होगी उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा, जिसकी कम होगी उसका कम मोमेंटम होगा।
मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम हमेशा ज़ीरो होगा। हाउ? मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम पी बोलते हैं। तो पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, जहाँ पे एम मास और वी वेलोसिटी है। तो मास कुछ भी हो, लेकिन जब वो हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ज़ीरो। और ये कह रहे हैं रेस्ट में, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे हो तो आप उसको बिना कुछ सोचे समझे सीधा ज़ीरो लिख सकते हैं। इन्होंने यहाँ आपको करके भी बताया, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे मोमेंटम की यूनिट को ड्राइव करा है, जो कि मैंने आपको ड्राइवेशन सिखाया था। तो ज़रा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट बी फास्ट एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन सो दैट यू कैन ईजीली ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब इस पे मैंने आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो कि मोमेंटम पे ही बेस्ड हैं। आप इनको रीड कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लाई कर करके दिखा दिया है बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको बार बार नहीं करके दिखाऊंगा, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, सब इजीली लिखा हुआ है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। फिर भी आपके कम्फर्ट के लिए मैं आपको एक इसमें करके दिखा देता हूँ। What will be the momentum of a stone having mass 10 kg when it is thrown with a velocity of 2 meter per second? Mass 10 kg given है, velocity 2 meter per second given है, हमें क्या find कर momentum? तो momentum क्या होता है? Mass into velocity, मतलब 10 into 2 equals to 20 kilogram meter per second। ऐसी second example है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए सबका, मैं आपको एक साथ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वरना आप वीडियो को स्टॉप कर करके इनको सबको रीड भी कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी, अगर कहीं भी मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? अनबैलेंस्ड फोर्स के। किस में? डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। तो ये बेसिकली आपको मोमेंटम ही है, इसमें कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का और चेंज इन मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आपसे कहा जाए तो आपको ये इनका ड्राइवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको शो भी कर देता हूँ, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट टिल हियर, ये इसका ड्राइवेशन है। और वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम्स में मोस्टली नहीं आते हैं। आपको लेकिन इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए कि टेल द चेंज इन मोमेंटम, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, मास मल्टीप्लाइड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अगर आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा जाए तो आप चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन कर देंगे, जो कि बनेगा मास अपॉन मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अब हम देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला, ये भी सेकंड लॉ में ही आता है। तो ये भी ज़रा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बी फास्ट, होप्स आपने ले लिया होगा। अगर मैं कहूँ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में हमने क्या ड्राइव कर लिया था? एम, और फिर ये वाला हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स भी कहते हैं। अब फोर्स, फिर मैं कह सकता हूँ कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम
वी माइनस यू अपॉन टी, आई कैन डू इट एज यू नो। और अगर मैं चैप्टर 8 पे जाऊँ तो चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग इसमें जो इतना काम है कि वी माइनस यू अपॉन टी, ये एसिलेशन होता है, को एसिलेशन का फॉर्मूला याद होगा तब होता है वी माइनस यू अपॉन टी, ये एसिलेशन का फॉर्मूला होता है। तो अब मैं वी माइनस यू अपॉन टी की जगह ए भी लिख सकता हूँ, तो फोर्स में अब हो गया हमारा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। अब मुझे ये वाला साइन हटाना है, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ कि मैं साइन की जगह एफ इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ले लूँगा जिसका नाम मैंने रखा है के, इक्वल्स टू एम ए। एम ए मतलब ये दोनों तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। और अगर मैं कहूँ कि के की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 इंटू मास इंटू एसिलेशन, तो ये बन गया फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसिलेशन, जो कि होता है फोर्स का फॉर्मूला। ये वाला ड्राइवेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है, और ये पेपर में पूछ लिया जा सकता है। तो आपको सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। अब आपके लिए मैंने छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि डिफाइन 1 न्यूटन, प्रूव ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ। तो ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इनको बस पढ़ लीजिए। जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साइड बाय साइड कराता जाऊँगा। अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। सो टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑलवेज होता है। हाउ, आई एम टेलिंग यू, वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। ये क्या आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने लेग्स या शूज़ की हेल्प से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, हम उसको बैकवर्ड पुश करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें, तो वो हो गया हमारा एक्शन फोर्स कि हम उसे बैकवर्ड पुश कर रहे हैं। फिर वो हमें रिएक्शन में क्या करेगा, वो हमें आगे की तरफ पुश कर, हम उसे पीछे करेंगे तो हमें आगे की तरफ करेगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से हम ऐसे करते रहेंगे तो हम चलते हैं, इसी तरीके से वीडियो वॉकिंग। तो जो हमने उसको पीछे की तरफ पुश करा ग्राउंड को, वो तो हो गया हमारा एक्शन फोर्स। फिर जो उसने हमें पुश लगा के आगे मूव करवाया, वो हो गया उसका, वो हो गया रिएक्शन फोर्स। अब बोट मूव्स बैक व्हेन वी डीबोट इट, आपने देखा होगा, सबसे पहले रोइंग ऑफ बोट देखते हैं कि जब हम बोट चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बोट चलाता है वो अपने जो जिससे बोट चलाते हैं उससे वो उसको वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है। आपने कभी ध्यान दिया हो या फिर आप कोई वीडियो में देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि वो चप्पू की मदद से उसको वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है। तो वो हो गया उसका एक्शन फोर्स। रिएक्शन में वाटर क्या करता है, वाटर उसको आगे की तरफ पुश कर देता है, जिसकी वजह से बोट आगे बढ़ जाती है। और अगर हमें पीछे की तरफ आना है वापस, तो हम क्या करेंगे, हम उस चप्पू को आगे की तरफ करेंगे तो वो हमें पीछे की तरफ मूव कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं आगे पीछे जाने के लिए। अगन रिकॉयल्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि गन जो है वो रिकॉयल होती है। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, ये हम किसी एक वीडियो में पर्टिकुलर करेंगे, जो कि या फिर आप इसकी एक एनिमेटेड वीडियो देखिए, आप यूट्यूब पे जाइए और इसकी एक एनिमेटेड वीडियो देखिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो यू व्हाट यू कैन डू, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और इसकी जाके एक एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। इसमें क्या कहते हैं कि व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर,
their total momentum remains constant, are conserved, provided no external force are acting. मतलब अगर कोई external force apply नहीं हुई है, एक बॉल यहाँ से आ रही है, एक बॉल यहाँ से हो रही है, और ये दोनों यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगी और फिर ये अलग हो जाएंगी, तो इस केस में क्या होगा, इनका इनिशियल मोमेंटम जो यहाँ वाला होगा ये इक्वल होगा किसके, इनके फाइनल मोमेंटम से. कैसे? सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ईच ऑफ मास, suppose two objects n v each of mass m1 and mass m2 are moving initially with velocities u1 and u2, strike each other after time t and starts moving with velocities v1 and v2 respectively. मतलब दो ऑब्जेक्ट्स थे जिनका मास था m1 और m2 और उनकी इनिशियल वेलोसिटी v1, u1 और u2 और फाइनल वेलोसिटी v1 और v2. तो इस केस में क्या होगा, ये देखिए इनका मास था ये और इनकी वेलोसिटी थी ये, और जब ये दोनों आपस में आके स्ट्राइक कर देंगे तो क्या होगा, इनका मास तो सेम रहेगा इनकी, लेकिन फाइन अब इनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, u1 होता है इनिशियल और v1 होता है फाइनल, ऐसे u2 होता है इनिशियल और v2 होता है फाइनल. तो अभी क्या कह रहे हैं कि इस केस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू m1 u1, मतलब इनिशियल मोमेंटम था उसका m1 और u1, और इनिशियल मोमेंटम बी का था m2 और u2, ऐसे फाइनल था ऑब्जेक्ट ए का m1 v1 और फाइनल था ऑब्जेक्ट बी का m2 v2. तो अब इन्होंने इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करा है जो कि आई थिंक कोई नीड है नहीं, आप इसको जस्ट रीड कर लीजिए क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. अब इसके बाद डायरेक्ट जो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट जिस चीज़ आपको समझाने की है वो क्या है, दैट इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. मतलब इनिशियल मोमेंटम ए का फाइनल मोमेंटम, ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे इनिशियल मोमेंटम बी का फाइनल मोमेंटम बी का इक्वल होंगे. तो ये चीज़ आपको समझने की थी. अब आपको एक मोमेंटम का न्यूमेरिकल दिया है, मतलब मोमेंटम के टॉपिक्स आपको न्यूमेरिकल दिए जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. Find the recoil velocity of pistol. तो मास, पहला मास हमें क्या दिया, बुलेट का मास दिया हमें 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया. देखिए यहाँ पे ग्राम वाला न्यूमेरिकल आ गया, तो ग्राम को हम किलोग्राम में करेंगे तो वो बन जाएगा 0.02 kg. अब हमने पिस्टल का मास ले लिया m2, बुलेट का लिया था m1 और पिस्टल का ले लिया m2, ये हो गया 2 kg, पहले से हमें kg में था. अब इनिशियली बुलेट इज़ इनसाइड द गन एंड इट इज़ नॉट मूविंग. अब इनिशियली जो बुलेट है वो गन के अंदर है तो मूव नहीं कर रही है, मतलब ज़ीरो है यहाँ पे एक चीज़, u1 ज़ीरो हो गए क्योंकि बुलेट अभी रेस्ट पे है. तो टोटल मास अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया कि m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2.02, ये हो गया टोटल मास, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया. और फिर जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई कि वो रेस्ट पे थी तो उसका बुलेट का ज़ीरो हो गया, u1 हमारा ज़ीरो है. अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और मास था
2.02, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा आया 0। अब फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v2 और v1 फॉर बुलेट 150, तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या आया 0.02 प्लस 150 प्लस 2v2। और हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है, तो इक्वेशन 1 जो ये वाली थी और इक्वेशन 2 जो ये वाली थी, मैं आपको बताता हूँ, ये वाली और ये वाली जो इक्वेशन थी, इन दोनों से हम ये कह सकते हैं क्या, ये वाली इक्वेशन, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट गन रिकॉइल्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। सो आई होप सो ये आपको आ गया होगा समझ में। एक और आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने का, न्यूमेरिकल्स जस्ट आप रीड भी करेंगे तो भी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। तो अब आपको दिया है मैंने फिर से एक फ्लो चार्ट दिया है मैंने आपको इनका पूरे चैप्टर का, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी फास्ट अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, फ्लो चार्ट है ये इसका। और इसमें आपको मैं इनर्शिया की एक और चीज़ बता दूँ कि इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में रहेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। एक और चीज़ बतानी है कि यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो उसमें जो फोर्स होती है उसका यूनिट क्या होती है, GCM मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम ऐसे KGMS सिस्टम की बात करें तो उसमें उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल श्योरली टेल दैट, आई विल क्लियर दैट डाउट्स फॉर यू। और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी फिगर दी है जो कि हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है कि अगर कोई बॉल एकदम से हमारे बॉल कैचर के पास आती है तो वो क्या करता है, वो अपना हैंड लोअर कर लेता है, वो अपना हैंड नीचे कर लेता है। तो वैसा क्यों करता है, ताकि उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसका मोमेंटम है, उसका टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, जिस वजह से मोमेंटम भी डिक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से उसको हैंड को चोट ना लग सके। तो यही बात इसमें ये आपके अभी क्वेश्चन आंसर्स में आएगा, जो कि आपकी टीचर आई होप्स आपको समझाएंगी वो। अब ये चैप्टर एट अ ग्लिम्स है, जिसमें कि आपको छोटी छोटी डिफाइंस दी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बहुत छोटे छोटे में शो कर रहा हूँ, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और एक बार वीडियो स्टॉप करके इसको रीड भी कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, मेरे पास है आपके लिए कुछ MCQs जो कि बहुत जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अमंग इक्वल साइज स्टोन एंड अ फुटबॉल, द इनर्शिया विल बी हायर ऑफ अ स्टोन, क्योंकि उसकी ज़्यादा होती है मास। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल देन रोल्स ऑन ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोस टू स्टॉप बिकॉज देर इज़ अ फोर्स ऑन बॉल अपोजिंग द मोशन। वट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी वी एम वी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो वो हो गया एम वी। आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन इज बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। अब आगे बढ़ेंगे, तो ये मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो
तो इन सब का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैंने आपको 3 शो कर दिए हैं, इसका ले लीजिए। फोर्थ एंड फिफ्थ आपका मैं शो कर रहा हूँ, इसका भी ले लीजिए। ये सिक्स्थ है, ये भी ले लीजिए। और ये सेवन्थ और एट्थ है, इनका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं तक था। अगर आपको कुछ भी, इफ़ एनी थिंग वॉज नॉट अंडरस्टूडेबल, सो यू कैन विदाउट एनी शेम आस्क इन द कमेंट बॉक्स। फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन योर डाउट्स। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।